जय जिनेंद्र मित्रों, आज हम जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम उनके माता पिता के नाम, प्रतीक अथवा चिन्ह, जन्म व निर्वाण स्थान, जन्म तिथि, केवल ज्ञान तिथि व मोक्ष तिथि के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको तीर्थंकरों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत ही ज्ञानवर्धक होंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है भगवान ऋषभदेव। इनका चिन्ह है बैल। इनकी माता का नाम मरुदेवी और पिता का नाम राजा नवीराय है। भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ और कैलाश पर्वत पर इनको मोक्ष प्राप्त हुआ। दूसरे हैं अजितनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। इनकी माता का नाम विजय देवी और पिता का नाम जित शत्रु था। इनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ और उन्होंने सम्मेध शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किया। तीसरे हैं भगवान संभवनाथ। इनका चिन्ह है घोड़ा। इनकी माता रानी सेना थी और पिता का नाम राजा जितारी था। इनका जन्म श्रावस्ती नगरी में हुआ और इनको सम्मेध शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त हुआ। चौथे हैं भगवान अभिनंदन। इनका चिन्ह बंदर है। इनकी माता का नाम सिद्धार्था था और इनके पिता का नाम संवर। इनकी जन्म अयोध्या नगरी में हुआ और इनका निर्वाण स्थान सम्मेध शिखर जी है। पांचवे हैं सुमतिनाथ जी। इनका चिन्ह है चकवा। इनकी माता का नाम सुमंगला था और पिता का नाम मेघरथ। इनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ और सम्मेध शिखर जी में इनको मोक्ष प्राप्त हुआ। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैन मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल तुषार जैन को सब्सक्राइब करें। छठे हैं भगवान पद्म प्रभु। इनका चिन्ह है कमल। इनकी माता का नाम सुसीमा और इनके पिता का नाम धरणराज था। इनका जन्म कौसाम्बी नगरी में हुआ और इनको सम्मेध शिखर जी में ही मोक्ष प्राप्त हुआ था। सातवें हैं सुपार्श्वनाथ जी। इनका प्रतीक है साथिया। इनकी माता का नाम पृथ्वी और इनके पिता का नाम सुप्रतिष्ठा था। इनका जन्म वाराणसी शहर में हुआ और इनका निर्वाण स्थान है सम्मेध शिखर जी। आठवें हैं चंद्र प्रभु जी। इनका प्रतीक है चंद्रमा। इनकी माता का नाम लक्ष्मण और पिता का नाम महासेन था। इनका जन्म स्थान है चंद्रपुरी और सम्मेध शिखर जी में इनका निर्वाण हुआ। नवें हैं सुवदीनाथ जी। इनका प्रतीक है मगरमच्छ। इनकी माता का नाम रामा और इनके पिता का नाम सुग्रीव था। इनका जन्म काकंदी नगरी में हुआ और सम्मेध शिखर जी में इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। दसवें हैं शीतलनाथ जी। इनका प्रतीक है कल्पवृक्ष। इनकी माता का नाम सुनंदा और इनके पिता का नाम दृढ़रथ राज था। इनका बद्रिकापुरी नगरी में जन्म हुआ और सम्मेध शिखर जी में इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ग्यारहवें हैं श्रेयांशनाथ जी। इनका प्रतीक है गैंडा। इनकी माता का नाम वेणु देवी था और इनके पिता का नाम विष्णु नरेंद्र था। इनका जन्म सीमापुरी नगरी में हुआ और सम्मेध शिखर जी में ही इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। बारहवें हैं वासुपूज्य जी। इनका प्रतीक है भैंसा। इनकी माता का नाम जया और पिता का नाम राजा वासुपूज्य था। इनका जन्म स्थान चंपापुरी नगरी है और चंपापुरी में ही इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तेरहवें हैं विमलनाथ जी। इनका प्रतीक है सुअर। इनकी माता का नाम श्यामा और पिता का नाम कृतवर्मन था। इनका जन्म स्थान कांपिल्य नगरी है और इन्होंने सम्मेध शिखर जी में मोक्ष प्राप्त किया। चौदहवें हैं अनंतनाथ जी। इनका प्रतीक है सेई। इनकी माता का नाम सुयशा और पिता का नाम सिंहसेन था। इनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ और सम्मेध शिखर जी में इनका निर्वाण हुआ। पंद्रहवें हैं धर्मनाथ जी। इनका प्रतीक है वज्र। इनकी माता का नाम रानी सुव्रत और पिता का नाम राजा भानु था। इनका जन्म स्थान रत्नापुरी है और इन्होंने सम्मेध शिखर जी में मोक्ष प्राप्त किया। सोलहवें हैं शांतिनाथ जी। इनका प्रतीक है हिरण। इनकी माता का नाम अचिरा देवी और पिता का नाम विश्वसेन था। इनका जन्म हस्तिनापुर नगरी में हुआ और सम्मेध शिखर जी में इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। सत्रहवें हैं कुंथुनाथ जी। इनका प्रतीक है बकरा। इनकी माता का नाम श्रीदेवी और पिता का नाम सूर्य या सूर्यसेन था। इनका जन्म हस्तिनापुर नगरी में हुआ और सम्मेध शिखर जी में इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। अठारहवें हैं अरेनाथ जी। इनका प्रतीक है मछली। इनकी माता का नाम देवी रानी और पिता का नाम सुदर्शन था। इनका जन्म स्थान हस्तिनापुर नगरी था और सम्मेध शिखर जी में इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उन्नीसवें हैं मल्लीनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह कलश। इनकी माता का नाम रक्षिता या प्रभा था। इनकी पिता का नाम कुंभा था। इनका जन्म स्थान मिथिला नगरी था और सम्मेध शिखर जी में इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। बीसवें हैं मुनि सूरतनाथ जी। इनका प्रतीक है कछुआ। इनकी माता का नाम पद्मावती था और पिता का नाम सुमित्र था। इनका जन्म कुशाग नगर या राजगृह नामक नगरी में हुआ और सम्मेध शिखर जी में इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। इक्कीसवें नमीनाथ जी। इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। इनकी माता का नाम वपरा और पिता का नाम विजय था। इनका जन्म स्थान है मिथिला और इन्होंने सम्मेध शिखर जी में मोक्ष प्राप्त किया। बाईसवें हैं नेमिनाथ जी। इनका प्रतीक है शंख। इनकी माता का नाम शिवदेवी और पिता का नाम समुद्र विजय था। इनका जन्म द्वारका नगरी में हुआ और इन्होंने गिरनार पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किया। तेईसवें पार्श्वनाथ भगवान।
इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। इनकी माता का नाम वामा और पिता का नाम अश्विसेन था। इनका जन्म काशी नगरी में हुआ और सम्मेद शिखर जी में इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। और 24वें हैं महावीर स्वामी। इनका प्रतीक है सिंह। इनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ और पावापुरी में इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। मित्रों, अब तीर्थंकरों के बारे में कुछ गजब के तथ्य जानिए। भगवान ऋषभदेव ने संसार में अरबों वर्ष पहले जन्म लिया था, जबकि महावीर स्वामी ने करीब 2600 वर्ष पहले इस संसार में जन्म लिया। भगवान ऋषभदेव की उम्र करीब 84 लाख पूर्व थी, और एक पूर्व मतलब 84 लाख पूर्वांग, और एक पूर्वांग मतलब 84 लाख वर्ष, और भगवान महावीर की उम्र 72 वर्ष थी। भगवान ऋषभदेव की हाइट 4920 फीट थी, जबकि भगवान महावीर की लंबाई 4 हाथ थी। भगवान ऋषभदेव का उल्लेख हिंदू धर्म के वेद पुराण जैसे ऋग्वेद, विष्णु पुराण और भगवत पुराण में मिलता है। कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल के बुक ऑफ रेलिवेशन के 24 एल्डर्स जैन धर्म के 24 तीर्थंकर ही हैं। श्री कृष्ण, उनकी माँ देवकी, उनके भाई बलराम और महाभारत के कर्ण अगली 24 के तीर्थंकर होंगे।